साथ में इतना बढ़िया से खेल रहे हैं, वीडियो बनाते बनाते सोचो कि अगर वीडियो नहीं बनाते तो कितना बढ़िया से खेल सकते हैं दोस्तों। अब देखो कितना बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं। आज देखो 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 एमपीएल प्रो के एपिसोड नंबर 1 में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के एपिसोड में बात करेंगे एमपीएल का फ्रूट डार्ट की ट्रिक के बारे में। तो दोस्तों आपने गेम खेलते वक्त ये चीज देखा ही होगा कि आपको 3 मिनट का समय दिया जाता है जिसमें आपको फ्रूट को कट करना रहता है अपने नाइफ से। अगर वहीं आपको बॉम्ब भी आता है साथ में, अगर बॉम्ब को कट कर देते हो तो आपको गेम डी एंड हो जाता है और गेम ओवर हो जाता है। जितना स्कोर बनाया हो वही स्कोर आपका फाइनल हो जाता है। आपको 3 मिनट का पूरा समय भी नहीं मिल पाता खेलने का। लेकिन आज का ट्रिक जो है बॉम्ब को कैसे कंट्रोल किया जाए उस पर बेस्ड है। इसमें बॉम्ब को हम लोग कंट्रोल कर लेंगे, पूरा 3 मिनट तक हम लोग गेम को खेल पाएंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीका से स्कोर बना लेंगे। तो दोस्तों फटाफट अपने स्मार्टफोन में आ जाना, आते के साथ में एमपीएल को अपना ओपन कर लेना। दोस्तों मैं मान कर चल रहा हूँ कि आप सभी के फ़ोन में एमपीएल इंस्टॉल है। अगर फिर भी आपके फ़ोन में एमपीएल इंस्टॉल नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके साइनअप कर लेना। साइनअप करते साथ में अगर न्यू यूज़र हो तो आपको 25 रुपये का कैश इंस्टेंट मिल जाएगा स्टार्टिंग में साइनअप करते के साथ में। तो दोस्तों यहाँ हम लोग आज बात करते हैं फ्रूट डार्ट के ट्रिक के बारे में। तो दोस्तों यहाँ फ्रूट डार्ट को ढूंढ लेते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा फ्रूट डार्ट, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करते ही आपको इस टाइप का इंटरफेस कुछ खुल जाएगा। खुलने के बाद में यहाँ बहुत सारे बैटल आपको नजर आएंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ फ्री वाला बैटल नहीं खेलता हूँ, यहाँ मैं पैसे वाला बैटल खेलता हूँ, क्योंकि पैसे वाला बैटल खेलूंगा तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि भाई सही में कोई ट्रिक दे रहा है, अब बढ़िया ट्रिक है जो कि प्रॉफिटेबल है। तो दोस्तों यहाँ मैंने 4 रुपये वाला बैटल लगा ले रहा हूँ। लगाने के बाद में यहाँ पास कुछ ऐसे रजिस्टर एंड पे का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक कर लेना। क्लिक करते ही आपको ऐसा एमपीएल खुल जाएगा। यह बैटल लगने की प्रोसेस होती है, थोड़ा सा समय लगेगा यहाँ। तब तक के लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, आप वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि जरा सा भी स्किप करोगे तो आप ट्रिक को नहीं समझ पाओगे। पूरे वीडियो को देखना, बढ़िया से देखना, बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा और एक ट्रिक से आप बहुत सारे पैसे जीत पाओगे। तो जैसा कि बैटल लगना स्टार्ट हो चुका है, फाइंडिंग प्लेयर बोल रहा है, तो दोस्तों आप देख ही सकते हो, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों यहाँ फाइंडिंग प्लेयर होना स्टार्ट हो गया है। देख सकते हो कि हमारा 4 प्लेयर जुड़ चुका है, एक और प्लेयर जुड़ चुका है, पांचों प्लेयर हमारा जुड़ चुका है, जिसमें हम लोग अब गेम स्टार्ट होने वाला ही होगा। देख सकते हो हमारा गेम स्टार्ट होने ही वाला है। देखो 3 2 1 गेम स्टार्ट हो गया। देखो दोस्तों स्टार्टिंग के टाइम पे क्या हो रहा है कि जो फ्रूट आ रहा है वो एक एक करके आ रहा है, साथ में नहीं आ रहा, एक भी बॉम्ब नहीं आ रहा। बॉम्ब कब आएगा? 52 जैसे ही होगा वैसे ही। देखो जैसे ही 52 हुआ वैसे ही बॉम्ब आ गया। तो देखो एक रेंज होता है, देखो 48 तक। अब 48 से 5 सेकंड तक एक भी बॉम्ब नहीं आएगा, जो आप देखना अभी एक भी बॉम्ब नहीं आएगा 5 सेकंड तक। 5 सेकंड के बाद वाला जो रेंज होगा उसमें बॉम्ब आएगा, जो कि एक स्क्रीन पे हमारा टाइमिंग शो हो रहा होगा। उस टाइमिंग में आप देख सकते हो कि एक रेंज होगा, इसी जो जो रेंज दिखा रहा है ना इसी रेंज में बॉम्ब आएगा, इसके अलावा कोई रेंज में बॉम्ब नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है, ये जो रेंज शो हो रहा है इसी रेंज को स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है, याद कर लेना, और इसी रेंज के में जो बॉम्ब आएगा उस बॉम्ब को कंट्रोल कर खेलना है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि जो रेंज है इस रेंज में आपको संभाल कर खेलना है, इसके अलावा जो रेंज है उस रेंज में आपको जरा सा भी बेशंका आपको डायरेक्ट फ्रूट को कट करना है, बॉम्ब का कोई खौफ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उस रेंज में बॉम्ब आएगा ही नहीं। इसमें टोटल 3 मिनट का गेम होता है, 3 मिनट का गेम में आपको सिर्फ 1 मिनट ही बॉम्ब आते हैं, जो कि 5-10 मिनट का 5-10 सेकंड कर करके आते हैं, इसके अलावा बॉम्ब नहीं आ सकते हैं। तो देख सकते हो कि मैं कैसे ही खेल रहा हूँ बेहतरीन तरीके से। अभी देखो बॉम्ब नहीं आ रहा है, जैसा कि हमारे रेंज में है, ये रेंज हमारा फुलफिल कर रहा है जिसमें हमारा बॉम्ब नहीं आ रहा। देखो अचानक से ये रेंज हमारा आ गया, ये रेंज हमारा बॉम्ब में है, तो आप देख सकते हो। तो अब हम लोग खेल सकते हैं आराम से, अभी बॉम्ब नहीं आएगा कुछ देर तक, देख सकते हो। देखो फिर बॉम्ब आया, ये रेंज हमारा रेंज है जो हम आपको टाइम लिस्ट दिए हैं उसी रेंज में अकॉर्डिंग में है, रेंज है जिसमें बॉम्ब आया। अब देख सकते हो कितना जल्दी जल्दी फ्रूट आ रहा है, हम खेल रहे हैं। देखो देखो कितना जल्दी जल्दी खेल रहे हैं, बहुत सारे फ्रूट हमसे मिस हो गए हैं, लेकिन आप ऐसा मिस मत करना और बहुत बेहतरीन तरीके से अभी करना। देखो हम लोग कैसे खेल रहे, कितना बेहतरीन तरीके से खेल रहे, कितना वीडियो बनाते साथ में इतना बढ़िया से खेल रहे। वीडियो बनाते बनाते सोचो कि अगर वीडियो नहीं बनाते तो कितना बढ़िया से खेल सकते हैं दोस्तों। अब देखो कितना बढ़िया तरीके से खेल रहे, आज देखो 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 मार रहे हैं, ये देखो कितना सारा फ्रूट आया, डायरेक्ट कट कर रहे। अभी कोई बॉम्ब नहीं आ रहा, क्योंकि अभी बॉम्ब का रेंज है ही नहीं, वो टाइमिंग है ही नहीं जिस समय बॉम्ब आए। देखना कुछ समय के बाद बॉम्ब आएगा, और बॉम्ब आने के बाद में हम उससे, अगर कुछ समय के बाद में जैसे ही 40 होगा ना, 40 के आसपास में बॉम्ब आएगा, उसके बाद में फिर बॉम्ब आना बंद हो जाएगा। दो ही बॉम्ब आएगा, दो आने बॉम्ब आने के बाद में बॉम्ब हो जाएगा। देखते हैं कब आते हैं बॉम्ब। देखे जैसे ही बॉम्ब आया, मैंने गलती से क्लिक कर दिया यार, मर गया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रहा। इसके बाद अगर ये बॉम्ब अगर नहीं मिस नहीं होता ना, अगर बॉम्ब नहीं कटता, तो उसके बाद में जो टाइम आता वो सिर्फ 40 सेकंड तक बिना बॉम्ब के एकदम
मतलब सिर्फ फ्रूट ही आता है उसको सिर्फ हम काटते बिना सब के। अब देख सकते हो रिजल्ट में हम यहाँ जीत चुके हैं। आशा करता हूँ एपिसोड 1 आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप एपिसोड 2 का वेट कर रहे होगा। तो दोस्तों ज्यादा वेट मैं नहीं करवाऊंगा, जल्दी एपिसोड 2 को भी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एपिसोड 2 आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप एपिसोड 2 का भी ट्रिक को जान लो और बहुत सारे पैसे MPL से कमा पाओ। तो दोस्तों मिलता हूँ किस एपिसोड 2 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।